Hello, you're watching ET Now. I am Ritu Sharma and welcome to this week's brokerage report. Before we continue, please be sure to share your favorite stocks with us in the comment section below. Let's get started. सबसे पहला जो हमारा शेयर है वो है JSW Steel. इसके सबसे पहले रेवेन्यू पर नजर डाल लेते हैं. तो कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो FY24 में करीब 1,70,000 करोड़ रुपए के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू है. और अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो ये 1,60,000 करोड़ रुपए के ऊपर था. वहीं 2016 से आप कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देख सकते हैं. तो ये एक ग्रीन सिग्नल है. इसके बाद हम नेट इनकम देख लेते हैं. तो नेट इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकता है. 2017 में 3,500 करोड़ रुपए के करीब था. 2018 में 6,000 करोड़ रुपए था. फिर 2020 में आपको 4,000 करोड़ रुपए के करीब दिखाई दिया. और फिलहाल 2024 की अगर बात करें तो ये 8,800 करोड़ रुपए के करीब है. पिछले फाइनेंशियल ईयर से ये ज्यादा ही है. पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4,000 करोड़ रुपए के करीब था. तो यहाँ पर पिछले साल की अपेक्षा तो ग्रोथ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको एक फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकता है. अब कंपनी की इनकम तो हमने देख ली है, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है ये देख लेते हैं. तो कंपनी की बैलेंस शीट पर एक नजर डाल लेते हैं. कंपनी के पास जो सबसे पहले टोटल एसेट्स देख लेते हैं कितने हैं. कंपनी के पास टोटल 2,10,000 करोड़ रुपए तक के एसेट्स हैं, जो कि इसके पिछले साल 1,96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है. टोटल एसेट्स में आपको ओवर द ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है. अब देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, यहाँ पर लायबिलिटीज कितनी है. तो जो टोटल लायबिलिटीज हैं वो 1,40,000 करोड़ रुपए के करीब हैं और टोटल एसेट्स जो है वो 2,10,000 करोड़ के करीब हैं. तो यानी कि एसेट्स जो है वो लायबिलिटीज से ज्यादा है, जो कि एक ग्रीन सिग्नल है. अब कंपनी के पास ये देख लेते हैं कि कैश कितना है, यानी कंपनी की कैश फ्लो पर एक नजर डाल लेते हैं. तो कंपनी के पास फिलहाल 8,500 करोड़ के करीब कैश है, जो कि पिछले साल से कम है. लेकिन अगर आप और पीछे जाएंगे 2020 तक अगर आप देखेंगे तो ये माइनस में आपको देखने के लिए मिलेगा. अब कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं, कंपनी का चार्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पर अगर आप कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे तो 2020 के बाद आपको यहाँ पर शेयर्स में लगातार ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी. कंपनी के जो माइनस पॉइंट्स हैं वो हैं लो परफॉर्मर रहना, वैल्यूएशन मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में ओवरवैल्यूड दिखना, फाइनेंशियल ग्रोथ के मामले में भी ये लैग करता हुआ दिखाई दे रहा है. लेकिन प्लस पॉइंट्स ये हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी के यहाँ पर आपको अच्छे सिग्नल्स देखने के लिए मिलेंगे. एंट्री पॉइंट की बात करें तो ओवर जो है वो अंडर प्राइज्ड है, यानी कि ओवरबॉट जोन में नहीं है. तो ये भी एक जो है प्लस पॉइंट है शेयर का. अब शेयर की रेटिंग्स और टारगेट प्राइसेस की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज है ICICI डायरेक्ट, उन्होंने बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 1,125 रुपए. फिलहाल शेयर का जो करंट प्राइस है वो 917 रुपए के करीब है. वीडियो जाने तक हो सकता है कि आपको शेयर में थोड़ा सा मूवमेंट देखने के लिए मिले, लेकिन फिलहाल 917 रुपए पर है. तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज है ICICI डायरेक्ट वो बुलिश नजर आ रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमारा अगला शेयर है वोडाफोन आइडिया. सबसे पहले इसके रेवेन्यू पर नजर डाल लेते हैं. तो FY24 में अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो ये करीब 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है. लेकिन क्या इसकी इनकम में ग्रोथ हो रही है वो भी देख लेते हैं. तो नेट इनकम की अगर हम बात करें, कंपनी की नेट इनकम जो है वो माइनस में, यानी 31,000 करोड़ रुपए के लॉस में है. भारी भरकम लॉस है कंपनी को फिलहाल. और ऐसा नहीं है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में बहुत कुछ आपको खास सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा. आप देख पाएंगे कि FY23 में भी करीब 29,000 करोड़ रुपए के लॉस में थी कंपनी. और 2017 से ही आप देखेंगे कि कंपनी जो है वो लगातार लॉस में ही दिखाई दे रही है, जो कि एक रेड सिग्नल है. अब कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल एसेट्स जो है वो 2,07,000 करोड़ रुपए के करीब है. और टोटल लाइबिलिटीज जो है वो तो यहाँ पर आपको एसेट से भी ऊपर देखने के लिए मिलेंगी. यानी 2,80,000 करोड़ रुपए की तो इनके पास लाइबिलिटीज है. मतलब इतनी तो एसेट्स नहीं है कंपनी के पास जितनी की लाइबिलिटीज हैं फिलहाल. उस पर भी आप ये मान करके चलिए कि जो कंपनी अपने एसेट्स हैं वो थोड़े से बढ़ा चढ़ा करके ही बताती हैं. यानी कि जरूरी नहीं है कि कंपनी के एसेट्स की मार्केट में वही वैल्यू हो जो कि दिखाई जा रही है. तो यहाँ पर तो उसके भी ऊपर आपको लाइबिलिटीज देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि एक रेड साइन की तरह है. तो कंपनी के एसेट्स उस तरह से ग्रो नहीं हुए हैं जिस तरह से कंपनी की जो लाइबिलिटीज है उसमें हर साल ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रही है. इसके बाद कंपनी के पास कैश कितना है ये देख लेते हैं. तो कंपनी का जो कैश फ्लो है FY23 में रिपोर्ट हुआ है 13,246 करोड़ रुपए के करीब. और FY22 में ये जो है वो 11,274 करोड़ रुपए के करीब था. तो कैश फ्लो में आप ग्रोथ देख सकते हैं. अब अगर हम कंपनी के ओवरव्यू पर नजर डालें, इसके चार्ट्स देखें, तो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ फिलहाल देखने के लिए नहीं मिलेगी. लिस्टिंग से अभी तक बहुत नहीं भागा है शेयर. इसके अलावा आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को 10 साल का समय दिया था AGR फाइल करने के लिए, यानी AGR भरने के लिए. तो अब कंपनी को 2026 तक गवर्नमेंट को 28,000 करोड़ रुपए भी देने, उसके ऊपर 2,80,000 करोड़ रुपए का तो इसके ऊपर ऑलरेडी डेट है. तो आप मान करके चलिए कंपनी कितना ज्यादा अभी कर्जे में है.
लेकिन इस पर भी क्योंकि ये पेनी स्टॉक है तो यहाँ पर काफी सारे जो है स्पेकुलेशन भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे लोगों का ये भी मानना है कि वोडाफोन आइडिया को जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी क्योंकि मार्केट में जियो और एयरटेल की मोनोपोली नहीं होने दी जा सकती है, तो कॉम्पिटिशन बना रहे मार्केट में, इसलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करे। बाकी अगर आप देखेंगे तो DIPM यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट का यहाँ पर 33% स्टेक भी है कंपनी में, और इसके अलावा जो FIIs और DIIs हैं उनकी भी होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ी हैं। तो काफी सारे लोगों का ये भी मानना है कि अगर FIIs DIIs जो है वो अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा है कि वो कुछ ऐसा देख सकते हैं या कुछ ऐसा समझ पा रहे हैं जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे काफी सारे स्पेकुलेशन है शेयर के ऊपर, लेकिन आप अगर ओवरऑल बैलेंस शीट देखेंगे कंपनी की या फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको नजर नहीं आएंगे। आगे बढ़कर के हम इसका जो टॉपिक प्राइस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज ने यहाँ पर होल्ड की रेटिंग को मेंटेन करते हुए जो टारगेट प्राइस है वो 13 रुपए दिया था, लेकिन ये जो ऑलरेडी अपने टारगेट प्राइस है उसको हिट कर चुका है और 13 मई के दिन ही ये करीब 14 रुपीज के आसपास बंद हुआ था। ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन परफॉर्मेंस और जो ग्रोथ है वो लो है, प्रॉफिटेबिलिटी और एंट्री पॉइंट के हिसाब से भी ये फिलहाल एवरेज ही है। आपकी वोडाफोन आइडिया के शेयर पर क्या राय है, कि आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला शेयर है NHPC। इसका टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं कितना है। FY24 में आपको रेवेन्यू देखने के लिए मिलेगा 11,000 करोड़ रुपए के ऊपर, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से अच्छा है, और ओवरऑल आप 2016 से इसमें लगातार ग्रोथ देखेंगे जो कि एक बढ़िया साइन है। बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल एसेट्स जो है वो 2023 तक 86,000 करोड़ रुपए के आसपास थे, और 2014 से आप लगातार यहाँ पर ग्रोथ देख सकते हैं। और लाइबिलिटीज जो है वो यहाँ पर एसेट से कम है, बट अगेन आप ये मान करके चलिए कि जो एसेट्स हैं वो थोड़े बढ़ चढ़ के कंपनीज बताती हैं, बट स्टिल यहाँ पर जो लाइबिलिटीज हैं वो कम है, तो ये एक ग्रीन साइन है। कंपनी के अगर कैश फ्लो की बात करें तो फिलहाल जो नेट कैश फ्लो है वो 388 करोड़ रुपए है, लेकिन कैश फ्लो के मामले में अगर आप ओवर द ईयर्स देखेंगे तो कम ज्यादा आपको यही देखने के लिए मिलेगा। ओवरव्यू हम कंपनी का देख लेते हैं, तो जब आप कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे तो जो हमने फंडामेंटल्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो नंबर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका असर आपको चार्ट पर साफ तरह से देखने के लिए मिलेगा। कंपनी 2020 से उठना शुरू हुई है और फिलहाल इसमें आप 2020-21 के बाद से लगातार ग्रोथ देख सकते हैं। अब कंपनी के अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहे हैं, और सेल की रेटिंग देते हुए उन्होंने टारगेट प्राइस जो है उसे भी कम कर दिया है, 80 रुपए कर दिया टारगेट प्राइस अब, क्योंकि ब्रोकरेज का ये मानना है कि नियर टर्म में जो इनकी अर्निंग्स है कंपनी की वो 2.9 गीगावाट्स जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है उसके ऐड होने से बढ़ेंगी, लेकिन जो इसका कंप्लीशन है उसमें फिलहाल समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है, 6 महीने से साल भर तक का डिले और यहाँ पर हो सकता है। तो यही रीजन है कि ब्रोकरेज यहाँ पर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। हालांकि जब ब्रोकरेजेस ने टारगेट प्राइस दिए थे तब शेयर 99 रुपीज पर था, और फिलहाल जो करंट प्राइस है वो ऑलरेडी उसके ऊपर ही है, 105 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टिल इसे डाउनग्रेड करके 80 रुपए इसका जो टारगेट प्राइस है वो दिया गया है। अब अगला हमारा शेयर है एक्सिस बैंक। इसके टोटल रेवेन्यू पर हम एक नजर डालते हैं, तो इसके रेवेन्यू में आपको FY24 में अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, 1,30,000 करोड़ रुपए के ऊपर है, और पिछले सभी सालों में आप रेवेन्यू देखेंगे तो बढ़िया ग्रोथ ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेट इनकम में भी आपको साल दर साल अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, FY24 में 26,300 करोड़ रुपए के ऊपर है, पिछले साल 10,800 करोड़ रुपए के करीब थी। कंपनी की बैलेंस शीट पर अगर हम नजर डालें तो टोटल एसेट्स जो हैं वो 14 लाख करोड़ रुपीज के आसपास हैं, और इसमें भी आपको साल दर साल बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा नेट NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर हम बात करें तो 3,247 करोड़ रुपए, जो कि पिछले सालों की तुलना में कम है। साल 2022 तक NPAs जो है वो 5,000 करोड़ रुपए के करीब थे, तो यानी कि नेट NPAs इनके कम हुए हैं। इसके अलावा टोटल एसेट्स जो हैं वो FY23 तक 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थे, और टोटल लाइबिलिटीज जो हैं वो 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पर जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज से बेहतर है। कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर आपको 20,600 करोड़ रुपए के करीब कंपनी का कैश फ्लो दिखाई देगा, पिछले साल से कम है, लेकिन जो इनके वर्किंग कैपिटल है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो वो भी एक वजह हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे यहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल देखने के लिए मिल रहे हैं। और कंपनी का अगर हम ओवरव्यू देखेंगे, चार्ट देखेंगे, तो उसमें भी आपको बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो जो भी हम आंकड़े देख रहे हैं उसका सीधा असर आपको कंपनी के ओवरव्यू पर देखने के लिए मिलेगा, और चार्ट पर साफ आपको नजर आएगा कि अच्छी ग्रोथ है कंपनी के शेयर्स में। अब इसके जो टारगेट प्राइसेस की अगर हम बात करें तो ब्रोकरेज ने यहाँ पर बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 1300 रुपए के करीब, और करंट प्राइस जो है शेयर का वो 1100 रुपए के आसपास है। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर और ग्रोथ आउटलुक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होने के चलते ब्रोकरेज यहाँ पर बुलिश है।
बाकी फंडामेंटल्स भी आपने कंपनी के देखे बढ़िया ही नजर आ रहे हैं। आपकी एक्सिस बैंक के शेयर पर क्या राय है, आप भी हमारे साथ शेयर करें। इसके अलावा एक आखिरी शेयर हमने और एड ऑन किया है, वो है Zomato। Zomato पर ब्रोकरेज जियोजेट जो है वो बुलिश नजर आए हैं और बाय की रेटिंग देते हुए जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पर दिया गया है 220 रुपए और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 186 रुपए के करीब है। सभी की सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, पॉजिटिव एबिटा मार्जिन, इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी के चलते ब्रोकरेज यहाँ पर बुलिश। कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो भी मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दूँ। So that wraps up today's segment. Stay tuned with ET Now for more updates. This is Ritu Sharma signing off. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.